चलें जी आबिद, क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की तरफ से आबिद पहला ओवर करने के लिए आए हैं। पहला बॉल बॉल किया और अच्छा बॉल किया, सिंगल रन। ठीक है पहले बॉल पे काफी डिफेंसिव स्टार्ट लिया ईटन स्पोर्ट्स ने। और ये सीढ़ियों से बराए मेहरबानी है, जरा सीढ़ियों से हट जाइएगा। और कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बॉल कनेक्ट नहीं कर पाए बैट से, डॉट बॉल होगा। आबिद बॉलिंग स्टार्ट में, सीधा खेला, सीधा बल्ले से खेला, बहुत आला शॉट और 6 रन, बहुत ही प्यारा शॉट, सीधे बल्ले से खेला, अच्छी बॉल स्लॉट में दी बॉलर ने, जिसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने। बॉलर जब जब ये गलती करेगा स्लॉट के अंदर गेंदे देगा, एरिए में गेंदे देगा, बैट्समैन इसका भरपूर फायदा उठाएगा। बहुत अच्छा बॉल, ये लाइन लेंथ, अच्छा कम बैक आबिद की जानिब से, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा हो रहा है दोनों जानिब से। डाउन द ट्रैक आए 1 रन के लिए। आखिरी बॉल करते हुए आबिद, और बहुत आला बॉल, थोड़ा स्लोअर वन था, बहुत आला बॉल डॉट किया, 1 ओवर 8 रन। बॉलर नेम बता दीजिएगा प्लीज। जुहेब बॉलिंग कर रहा है क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की तरफ से, दूसरा ओवर और शॉट मारा, देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वापस थोड़ा तेजी करनी पड़ेगी और 2 रन। शायान काफी डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। जुहेब बॉल की, बहुत वाइड बॉल, बहुत शॉर्ट लेंथ, 1 रन पे इत्तफा करना होगा। 1 अलाउ कर दी है एम्पायर ने, कहा कि अगली अगर आप शोल्डर हाइट देते हैं तो वो 9 बॉल होगी। बॉलर को एहतियात करनी पड़ेगी अब शॉर्टर लेंथ करते हुए। शॉर्ट और दीवार से रिफ्लेक्ट हुआ, 1 रन। और ये शॉट 6 रन, बहुत आला शॉट, बिल्कुल यॉर्कर करना चाहते थे बॉलर, लेकिन बैट के नीचे गेंद दे दी, जिसका नुकसान उठाना पड़ा बॉलर को। अच्छा बॉल कर रहे थे ओवर में, लेकिन एक गलती यहाँ, ये गली क्रिकेट है, यहाँ गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। एक और शॉर्ट लेंथ, डायरेक्ट हिट मैटर करेगी, और नो बॉल। अब देखना होगा, फ्री हिट,
फ्री हिट का इशारा एम्पायर की जानिब से, देखना होगा कि बैट्समैन कितना फायदा उठा सकते हैं फ्री हिट पे। फ्री हिट आपको कॉन्फिडेंट अप ऊपर कर देती है। डॉट बॉल, नहीं नहीं, फ्री हिट का इस्तेमाल करना चाहिए था। दो ओवर्स 20 रन, कदरे गनीमत है ईटन स्पोर्ट्स का स्टार्ट, दो ओवर्स में 20 रन। अब देखना पड़ेगा आगे क्या खातिर खा हिकमत अमली अपनाते हैं क्लिफ्टन ग्लैडिएटर। बॉलर का नेम बता दीजिएगा, रिजवान क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की तरफ से तीसरा ओवर करने के लिए आए, और बहुत आला बॉल अच्छी लाइन लाइन के साथ बैट्समैन के चेस्ट के ऊपर से सीधा कीपर के हाथों में। रिजवान अपना अगला गेंद करते हुए, फिर एक और शॉर्ट लेंथ शॉर्ट, देखना होगा एम्पायर का इशारा के मुंतजिर क्या होगा एम्पायर, और ये 6 रन का इशारा। बहुत आला ईटन स्पोर्ट्स, ईटन स्पोर्ट्स अपनी परवाह उड़ान लेते हुए रिजवान ने गेंद गलत किया, बहुत ज्यादा शॉर्टर लेंथ कर दी, इतनी शॉर्टर लेंथ की बैट्समैन ने सेंट रूम ले लिया और क्रॉस बैट शॉट मार के सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल पहुंचाया। एक और शॉट देखना पड़ेगा, कैच किया पे सिंगल रन, एक रन पे इत्तेफाक करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, एक छक्का मार के सिंगल डबल स्ट्राइक भी रोटेट हो रहा है, आपको छक्के चौके भी देखने को मिल रहे हैं और स्ट्राइक भी रोटेशन हो रही है। रिजवान अपना अगला गेंद करते हुए, क्या कमबैक करेंगे रिजवान, और ये बहुत आला बोल, बहुत आला कमबैक रिजवान का, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंद पढ़ के थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ इन स्विंग हुआ, थोड़ी सी मूवमेंट बॉल में नजर आई है जो कि जिसकी बिना पर विकेट हासिल की रिजवान ने। रिजवान बॉल की बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ, एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा, नो बॉल, बहुत अच्छी एम्पायरिंग का मुजाहरा, बहुत ही आला एम्पायरिंग का मुजाहरा, नो बॉल, फ्री हिट का इशारा एम्पायर की तरफ से, देखना यह है कि इस बार फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हैं या सिंगल या डॉट करते हैं। फुल टॉस दी, फ्री हिट पे फुल टॉस, और एम्पायर का इशारा देखना होगा, 6 रन, बेहतर भरपूर फायदा उठाया है फ्री हिट का। ईटन स्पोर्ट्स, ईटन स्पोर्ट्स का बढ़ता हुआ स्कोर, रिजवान बढ़ता हुआ स्कोर 35, 2.5 बॉल, अपने ओवर का आखिरी बॉल करते हुए रिजवान बॉल की, और फिर लास्ट बॉल, बहुत अच्छी किस्मत थी रिजवान की कि इस बॉल को बैट्समैन कनेक्ट नहीं कर पाए, वरना ये बॉल भी फुल टॉस था, छक्के छक्के वाला बॉल था। तीन ओवर 36 रन, बहुत बेहतर स्कोर है, 50-60 फाइटिंग टोटल है इस गली क्रिकेट में, और गली क्रिकेट का ये हुसन है कि लो स्कोरिंग मैच भी फंस जाते हैं, बिल्कुल आखिरी ओवर तक मैच जाता है। 20 रन पे भी हमने देखा मैच फंसा, हमने 60 रन पे भी देखा मैच फंसा, तो ये गली क्रिकेट का हुसन है। बॉलर नेम आबिद, अपना दूसरा ओवर करने के लिए आए क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की तरफ से। शायान आबिद को फेस करेंगे, आबिद ने पहला ओवर काफी अच्छा पहला ओवर किया था, बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ, देखना पड़ेगा एम्पायर के इशारे के सब मुंतजिर, एम्पायर ने जो है कॉल कर दिए कि आप एक बाउंसर जो है मार चुके, अगली बाउंसर आपकी नो बॉल होगी, बहुत एहतियात से गेंद करनी पड़ेगी बॉलर को, बॉलर आया बॉल की, और बहुत अच्छा गेंद, स्लोअर वन, बहुत हल्की स्लाइटली मूवमेंट मिली बॉल को, अच्छी लाइन लाइन के साथ गेंद की आबिद ने, और यही गेंद जो है इस तर्ज की क्रिकेट में बहुत फायदा दे जाती है, आप एरिया में गेंद नहीं करते, बॉल बैट्समैन को पूरा बॉल पे आना पड़ता है, और शॉट एक रन के लिए, एक रन पे इत्तेफाक करना पड़ेगा,
आबिद की अच्छी बॉलिंग। यार ये पता है कौन हटाएगा, और स्लॉट में गेंद दे दिया था लेकिन बैट्समैन कनेक्ट नहीं कर पाए और डॉट बॉल खेली। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर जितनी डॉट बॉल करेंगे उतना फायदा होगा। रन्स काफी कंसीव कर चुके क्लिफ्टन ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर को जिम्मेदारी के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। एक हल्का ओवर गिरफ्त कमजोर कर सकता है क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की। आबिद आए बॉल की काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ और पिच के ऊपर उठा दिया, देखना है कौन कैच करेगा। तीन तीन फील्डर बॉल करते और कंफ्यूजन। नहीं नहीं नहीं, कॉल नहीं की, किसी फील्डर ने कॉल नहीं की। तीनों फील्डर बॉल के नीचे थे। एक आसान कैच गिराया, ये क्लिफ्टन ग्लैडिएटर को बहुत भारी पड़ सकता है ये कैच। शायान का एक आसान कैच ड्रॉप हो चुका है अली का। अब देखते हैं शायान इस बॉल पर क्या करते हैं। सीधा बॉल और सीधा छे की जानेब। बहुत ही खराब गेंद, स्लॉट के अंदर गेंद दोगे तो बाउंड्री के बाहर गेंद जाएगा। नहीं, बहुत खराब गेंद, पेस भी नहीं था, बॉल के नीचे दिया। और ईटॉन जैसी टीम को आप इस लेवल की बॉलिंग करेंगे तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। हातिम आए जी बॉल करने के लिए, देखना पड़ेगा अपनी टीम के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। अच्छी लाइन लेंथ से गेंद किया और एम्पायर का इशारा देखना होगा। लाइन लेंथ अच्छी थी और छह रन। बहुत अच्छा बैट, बहुत अच्छा शॉट, ये स्लॉट में नहीं था बॉल। बहुत अच्छा बैट्समैन ने एग्जीक्यूट किया, पूरा बॉल को आने का इंतजार किया, उसके बाद कनेक्ट किया, अच्छा कनेक्ट किया बॉल को बैट से, जिसका नतीजा 6 रन। हातिम अपना दूसरा ओवर करते, दूसरी बॉल करते हुए फुल टॉस बॉल की भरपूर फायदा नहीं उठा सके और रन आउट होने का खतरा और एम्पायर का इशारा रन आउट। ना ये गलती नहीं करनी, अच्छे खासे सेट बैट्समैन को ये गलती नहीं करनी, बैट्समैन सेट होकर आउट हो जाना और वो भी रन आउट। टीम का मोरल डाउन करता है, बैट्समैन का मोरल डाउन करेगा। बैट्समैन नेम और बहुत आला बॉल हातिम का, अच्छी लाइन लेंथ से गेंद, अच्छा कमबैक किया हातिम ने। हाई डॉट थी शॉट, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वापस, लेकिन कंफ्यूजन है रनिंग बिटवीन द विकेट। डायरेक्ट हिट बहुत मैटर करती। चार बोले हातिम करा चुके, दो बोले बाकी। और देखना पड़ेगा कॉट बिहाइंड, लेकिन एक रन। और क्राउड में से चाचा चाचा की आवाजें आ रही हैं। आप नाम बता दें वरना चाचा के नाम से कॉल करनी पड़ जाएगी। समीर चले जी, हातिम अपना आखिरी बॉल करते हुए शॉट, देखना पड़ेगा एक रन मुकम्मल करना है, जल्दी तेजी करनी होगी बैट्समैन को। समीर ने अपना पहला रन मुकम्मल किया, 2 रन समीर, 53 रन, 5 ओवर कंप्लीट, 54 रन टू विन। ईटॉन के लिए 5 ओवर में 54 टू विन। जी चले जी, नोमी ईटॉन की तरफ से पहला ओवर करने के लिए आए हैं। पहला ओवर स्टार्ट
बॉल की और अच्छे पेस के साथ गेंद, अच्छी लाइन लेंथ के साथ हाई आर्म एक्शन है, काफी ऊपर से बॉल को छोड़ रहे हैं। एक ऑकवर्ड बाउंस मिलता है ऐसे बॉलर्स को जो जंप भी करते हैं और हाई आर्म एक्शन होता है, तो ऑकवर्ड बाउंस मिलता है। देखना यह है कि अपनी हाइट का फायदा उठाते हैं ये। बिल्कुल मिला, बहुत अच्छा बॉल, बिल्कुल बैट्समैन समझ नहीं पाए, विकेट के पास से गुजर गया। अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी नोमी की। दो बॉल डॉट करा चुके नोमी अपना तीसरा बॉल करते हुए। एम्पायर का क्रॉस किया बॉल की और बहुत अच्छा कट मारा, लेकिन डॉट बॉल होगी। अच्छा बैट्समैन की भी स्ट्रेटेजी, डिफेंसिव अप्रोच है, अच्छा जो है अच्छी बॉल को अच्छे मेरिट पे खेला, ये एक बड़ा एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। और अकलमंदी भी यही है कि अगर अच्छा बॉलर है, अच्छी बॉल से लाइन लाइन से गेंद कर रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और स्लोवर वन देखना पड़ेगा, एक रन के लिए होगा। काफी डिफेंसिव स्टार्ट, धीमा स्टार्ट क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की तरफ से। चार बॉलों पे पहला रन बनाए नोमी, अपनी दो बॉलें इसी तरह करते हैं या कोई रन कंसीव करेंगे, देखना होगा अगली दो बॉलों पे। और अच्छी तेज गेंद की, शॉट उठा दिया हवा में हमारी तरफ बॉल आते हुए, और एम्पायर का इशारा देखना होगा। एक रन, एक रन, एक रन। नोमी अपना आखिरी बॉल करते हुए, अच्छा ओवर किया, स्टेबल ओवर। एक और शॉट मारा लेकिन दीवार से डबल डिफ्लेक्शन, एक ही रन पे तफा करना होगा। अच्छा शॉट था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया बैट्समैन के। एक ओवर में तीन रन, काफी धीमा स्टार्ट है, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ईट ऑन स्पोर्ट्स को टारगेट 54 का है, काफी ज्यादा है टारगेट पांच ओवर के हिसाब से, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बैट्समैन को अपने पर। और बहुत अच्छा बॉल, व्हाट अ बॉल, बॉल में टर्न है, घूम रहा है बॉल, बैट्समैन को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। लेग स्पिनर है भाई बॉलर, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं गली क्रिकेट में, और ये बहुत कामयाब रहते हैं लेग स्पिनर। बहुत अच्छा बॉल, एक और बॉल डॉट, कमाल बॉलिंग, कमाल गेंदबाजी स्पिनर की तरफ से सलमान दोसानी, प्रॉपर फिंगर स्पिनर। अच्छा बॉल एक और, लेकिन एम्पायर के तरफ देखना पड़ेगा। एक रन, तीन बॉल कर चुके, ये बड़ा मुश्किल होता है आपको, क्योंकि आप गली क्रिकेट में सीधे बल्ले से खेलते हैं, तो सीधे बल्ले से जब आप खेलते हैं तो लेग स्पिन जो जिसका हो रहा होता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको शॉट मारना। इसको स्विप शॉट लग सकता है, कट लग सकता है, लेकिन गली क्रिकेट में इसकी इजाजत नहीं है। वाइड बॉल, स्विप शॉट की यहां पर कामयाब नहीं होंगे और कतरी भी कामयाब नहीं होगी। लेग स्पिनर को सीधे बल्ले से खेलना पड़ेगा, लेकिन लेग स्पिनर को सीधे बल्ले से बहुत मुश्किल होता है, बहुत जजमेंट चाहिए बैट्समैन को। एक अच्छा ऑप्शन है और वाइड बॉल, नहीं 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 नहीं, सलमान दोसानी अच्छी बॉल करते हुए दो वाइड करके। सलमान दोसानी शॉट लेंथ एज कॉट बिहाइंड, मैंने कहा था ये विकेट लेगा लड़का सलमान दोसानी। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत शॉर्ट गेंद थी, बैट्समैन ने डाउन तक ट्रैक आए और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद कीपर के हाथ में, और बहुत आला गेंद। बैट्समैन नेम बताइए, सलमान बॉलिंग नहीं, बॉल नहीं करना, पहले बैट्समैन का नेम आ जाए, स्कोरिंग चल रही है। ताहा, ताहा जो है बैटिंग पे आए हैं। पहला बॉल जैन का बहुत अच्छा बॉल था, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे बैट्समैन, और एक रन कंप्लीट किया, दूसरा रन बनना चाहिए। नॉन स्ट्राइकर एंड ने कॉल नहीं ली, स्ट्राइकर एंड आधे पिच तक आ चुके थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड ने, अच्छा कॉल था नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ से। दो ओवर में सात रन, ईट ऑन स्पोर्ट्स बहुत मुश्किल में, दो ओवर में सिर्फ सात रन, एक्सेलरेट करना पड़ेगा।
क्लिफ्टन ग्लैडिएटर। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर, ओ वाजिद, अच्छा बॉल था लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट लेंथ की जिसकी वजह से वाइड करार दी एम्पायर की जानिब से। और एम्पायर, मैं आपको बता चलूं कि बे इंतहा अच्छी एम्पायरिंग यहां पे आपको देखने को मिली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बहुत अच्छा डिसीजन लिए एम्पायर्स ने। वाजिद बॉल की, अच्छा बॉल किया और एक और डॉट। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ताहा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी टीम की। वाजिद के ओवर में ताहा को रन लेने पड़ेंगे वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैच पे अपनी गिरफ्त खत्म कर चुके हैं तकरीबन। और एक और डॉट बॉल, ये बहुत प्रेशर बिल्ड करेंगी डॉट बॉल्स। ताहा ये बहुत प्रेशर बिल्ड करेंगी। पहले ही आप दो ओवर में 7 रन, 15 से 20 रन का खसारा है आपकी टीम को। ताहा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, स्ट्राइक लेना पड़ेगा। सिंगल डबल से मामला हल नहीं होंगे। वाजिद बॉल की, बहुत अच्छा बॉल वाजिद का, बिल्कुल कतई तौर पे कोई मौका नहीं दे रहे बॉलर, कोई मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को खुल के खेलने का। अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंद कर रहे हैं जो कि गली क्रिकेट का हुसूर है। शॉर्टर लेंथ को पिक कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। एक स्लॉट में गेंद, उसका फायदा उठा सकते हैं बैट्समैन, लेकिन बॉल स्लॉट में दी नहीं जा रही। वाजिद देखना पड़ेगा, नहीं, वाइड बॉल, बहुत ज्यादा शॉर्टर लेंथ भी नहीं चलेगी। बैट्समैन को सेल्फ रूम लेना पड़ेगा मेरे ख्याल है, शॉर्टर लेंथ पे सेल्फ रूम लेना पड़ेगा, क्रॉस बैट से खेलना पड़ेगा, सीधे बल्ले से नहीं खेल सकते आप। और बहुत अच्छा बॉल, फुल टॉस बॉल थी लेकिन फायदा नहीं उठा सके। अच्छा पेस के साथ गेंद कर रहे हैं वाजिद। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर बहुत मुश्किलात में। दो अशारिया 4 ओवर्स 11 रन, बहुत पीछे हैं। एक्सेलरेट करना पड़ेगा वरना जीत हाथ से निकलती जा रही है। वाजिद अपना अगला गेंद करते हुए बॉल की, बहुत ज्यादा शॉर्टर लेंथ, देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा। लीगल बॉल करार दी गई है, ओवर हो चुका है। तीन ओवर्स में 11 रन। सलमान जर्सी पे सलमान लिखा हुआ है, देखना है कि क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। ओ अच्छा बॉल, अच्छी स्पीड और अच्छी लेंथ। सलमान जर्सी पे सलमान नाम लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा सलमान। शॉट एक और, एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन का इरादा रखते हैं लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकेंगे। सलमान नाम जर्सी पे है और नाम इनका फैसल है। स्लो बॉल लेकिन वाइड बॉल, लाइन में नहीं की, अच्छी जो है स्ट्रेटजी थी लेकिन अगर लाइन में हो जाती तो ज्यादा बॉल लीगल हो जाती वरना वाइट करार दी गई एम्पायर की जानिब से। सलमान नहीं, क्लिफ्टन ग्लैडिएटर मुझे लग रहा है कि अभी से हिम्मत हार चुके, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन है क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर बहुत वन साइडेड मुकाबला कर रहे हैं, उठना पड़ेगा किसी को, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की तरफ से स्लो बॉल की, ये पिक करनी चाहिए थी, वाइड बॉल। सलमान
जिनका नाम फैसल है, वो चाह रहे हैं कि शायद कुछ स्कोर बन जाए, लेकिन बैट्समैन कतई तौर पे उनका कोई मूड नहीं लग रहा स्कोर बढ़ाने का। फहद स्ट्राइकर एंड पे, सलमान उर्फ फैसल बॉल करते हुए शॉट मारा, देखना पड़ेगा स्टॉल, और ये छह रन। तमाशाइयों में बहुत जोश और खरोश, बहुत जोश और खरोश तमाशाइयों में, और तमाशाइयों में बहुत जोश और खरोश। सलमान छक्का खा गए, अगला बॉल देखना होगा नीचे करते हैं या एक रन पे तबाह करना होगा। बहुत अच्छा बॉल, अच्छा कमबैक सलमान की जानिब से, बहुत मुश्किल होता है एक छक्का खाने के बाद आपको इस लाइन पे गेंद करना। काफी तमाशाइयों की तरफ से काफी नेक तमन्ना है सलमान और फैसल के लिए। ये कुछ टीम मेट्स ही चाह रहे थे कि फैसल जो है एक दो छक्के खा ले, लेकिन फैसल ने एक छक्के पे इत्तफाक किया, बाकी इनके खुद टीम मेट्स चाह रहे थे कि कम से कम तीन छक्के तो सलमान के बनते हैं। इनके टीम मेट ने एक मैसेज दिया है कि जब तक सलमान एक छक्का नहीं खा ले तो उनको रात की नींद नहीं आती, तो अब अच्छी तरीके से नींद आएगी सलमान को। अच्छा ये राय जो है ना आपकी टीम की तरफ से ही आ रही है जी। फैसल सलमान, फैसल सलमान नाम की शर्ट पहनी हुई है, ये जरा सामने से हट जाए अपना, हमें भी देखने थे कुछ मैच। चलें जी, बॉल बहुत अच्छा बॉल किया लेकिन वाइड बॉल। पेस आप जितनी पेस की जरूरत नहीं है वैसे, खातिर का सिर्फ लाइन लाइन के साथ गेंद कर रहे हैं, मैच जीते हैं, घर जाए, हमें भी घर जाने दें। चार चार पांच पांच वाइड ना करें। फरहान पहला बॉल अपना वाइड किया, अगला बॉल देखते हैं लाइन में आएंगे या ये भी वाइड करेंगे, और ये भी वाइड होगी, वाइड होगी और रन लेने की कोशिश, रन आउट होने का खतरा, लेकिन महफूज तरीके से नॉन स्ट्राइकर एंड अपनी क्रीज में पहुंच गए। फरहान इब्तदाई दो बॉल है वाइड करते हुए, शायद इस बॉलर पे कुछ रन आ जाएं। ताहा को इस ओवर में रन लेने पड़ेंगे, वीक लिंक था, और ये देखा आपने कि दो बॉल वाइड करने के बाद, और बहुत तकलीफ दे मामला है। अच्छा शॉट था, छह रन की उम्मीद लगाई लेकिन बाउंड्री से पहले दीवार पर डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। बहुत तकलीफ दे मामला बैट्समैन के लिए। फरहान अपनी पहली बॉल लाइन में कराते हुए, अब देखना ये होगा लेफ्ट हैंडेड को फरहान किस लाइन पे गेंद करते हैं। फरहान ने बॉल स्टार्ट की, बॉल की और अच्छा गेंद, ये डॉट होना चाहिए, बिल्कुल डॉट। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर के हाथ से मैच निकलता जा रहा है, कश्ती डूबती जा रही है क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी बैट्समैन को। और अनदर शॉर्ट डिलीवरी, और अच्छी लाइन लेंथ, अच्छा बिल्कुल बॉलर एंड में पेस जनरेट कर रहे हैं, स्लो स्टार्ट है, काफी काम एंड कूल एक्शन है, लेकिन जब बॉल छोड़ते हैं तो काफी पेस जनरेट कर देते हैं आखिर में। ये देख कलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं बॉलर, अच्छी लाइन लेंथ पे पटक रहे हैं। अब एम्पायर को देखना होगा कि दो बॉल शॉर्ट लेंथ हो चुकी हैं, और अब अगर शॉर्ट लेंथ की फरहान ने तो नो बॉल करार दे दी जाएगी। शॉट देखना पड़ेगा क्या होता है, एम्पायर का इशारा देखना होगा। एक रन मुकम्मल किया, एक रन पर ही सबर करना पड़ेगा क्लिफ्टन ग्लैडिएटर को। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर की कश्ती डूबने लगी है,
अब डूब चुकी है तकरीबन। चले जी, ईटन स्पोर्ट्स ने अपना इब्तदाई मैच जीत लिया है। क्लिफ्टन ग्लैडिएटर को वन साइडेड मैच हराया, जो कि तवक्का बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे कि इस लेवल के टूर्नामेंट में इतना वन साइडेड गेम क्लिफ्टन ग्लैडिएटर खेलेगी। चले जी, डीजे वाले बाबू अपने काम पे लग जाएं अब। शेयर करे फिटनेस हाई बनी ऐसी देखने की लगे टिकट डब्बा बजा डब्बा 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 बजा लड़के इनके चक्के छोड़ा डब्बा।